अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके कॉलेज में एडमिशन हो चुके हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मेरे कॉलेज में एडमिशन तो हो गया है सर, तो क्या डोमिसाइल लेकर मैं जाऊँ या ना लेकर जाऊँ, मेरा बना हुआ नहीं है, मैं क्या करूँ। तो बेटा आपने फ़ौरन जाना है और फ़ौरन जा करके क्या करना है, अपने कॉलेज में जाके डोमिसाइल के बगैर चले जाना है, क्योंकि आपके बहुत सारे कॉलेज डोमिसाइल के बगैर ही एडमिशन्स ले ले रहे हैं और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बहुत सारे कॉलेज नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो आपने आज ही और इसी वक्त ही जाना है, मतलब कि कल सुबह के टाइम, ताकि आप क्या कर सको, आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाए, वरना आपके एडमिशन ही कन्फर्म नहीं होगा तो फिर आप आगे कैसे भरोगे, ठीक है। पहला सवाल तो ये हो गया। रहा सवाल कि आपके जब कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा उसके आगे का क्या प्रोसीजर्स होंगे, तो बेटा आपके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म्स आएंगे आपके कुछ अरसे में, और आपके कॉलेज वाले एग्जामिनेशन फॉर्म लेंगे जिसको आपने फिल करना होगा, ठीक है। अपने सब्जेक्ट्स वगैरह ये तमाम चीज़ें लिखने होंगे आपको, जिसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड और आपका इनरोलमेंट कार्ड बन करके आएगा। तो बेटा क्या करना होगा, उसकी एक ज़रा सी भी फीस नहीं होगी। किसी कॉलेज अगर आपसे कोई फीस मांग रहा है या फिर कोई कॉलेज आपको ये कह रहा है कि नहीं आप इतने रुपए जमा करवा दें, या साइड से कोई इस तरह की बातें की जा रही है, तो बेटा ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहीं गवर्नमेंट की तरफ से आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जितने भी आपके पास जितने भी अखराजात होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध आपके उठा रही होती है, ठीक है। तो ये मतलब कि कराची के अंदर और सिंध के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जो कॉलेज होते हैं उसकी कोई फीस नहीं होती, बल्कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं तमाम एजुकेशन। बल्कि बहुत सारे कॉलेज के लाइब्रेरी की तरफ से क्या मिलता है बेटा आपको, आपको बहुत सारे बुक्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जाओगे ना कॉलेज तो आपको पता चलेगा कौन कौन से बुक्स आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है। आपको मतलब कंपल्सरी सब्जेक्ट से कुछ बुक्स आपको फ्री मिल जाते हैं लाइब्रेरी कार्ड बनाने से, ये तमाम चीज़ें बनाने से, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने नोट रखना है कि किसी किस्म के कोई पैसे नहीं लगेंगे। रहा सवाल कॉलेज में एडमिशन्स के, तो एडमिशन्स आपको कंफर्म हो जाएगा। क्लासेस के, तो क्लासेस आपके बस 15, बहुत सारे कॉलेज की क्लासेस आज से स्टार्ट हो गए और बहुत सारे कॉलेज के क्लासेस आपके 20 तारीख से और कहीं पर 25 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रहे, 25 के बाद से कुछ क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और आपके जो अटेंडेंस हैं वो भी डिजिटलाइज करने का बहुत कोशिश की जा रही है कि इसी एक महीने बाद आपकी डिजिटलाइजेशन हो जाएगी। अटेंडेंस आपका अपना खुद का कार्ड होगा जिसकी मदद से आप क्या कर सकोगे, आप उसमें अटेंडेंस लगा सकोगे, जैसे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में होता है, प्राइवेट कॉलेज में होता है। क्योंकि इसका मेयार अच्छा इसलिए बनाया जा रहा है ताकि बच्चे की हाज़िरी यकीनी हो। जब बच्चों की हाज़िरी यकीनी होगी तो क्या होगा, स्टैंडर्ड खुद ब खुद ही ये आपके कॉलेज का ऊपर आएगा और आपके रिजल्ट भी अच्छे आने लगेंगे, क्योंकि पढ़ाई रेगुलर बेसिस में होगा। जब क्लास में बच्चे ही नहीं आएंगे तो पढ़ाई किस तरह से होती है। तो यही कराया जा रहा है कि कोशिश किया जा रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज को ऊपर लाया जाए, और उसको वैसे तो ऊपर है भी बहुत सारे, क्योंकि टॉप कॉलेज गवर्नमेंट के ऊपर ही है, लेकिन किया जा रहा है कि और ऊपर उसको लाया जा रहा है ताकि तमाम कॉलेज क्या हो सके, प्रॉपर और एक यक्सा आपको तालीम दे सके, यक्सा आपको क्लासेस प्रोवाइड करी जा सके। क्योंकि आपके कॉलेज के अंदर जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपने आगे कंटिन्यू करना होता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको बस ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देना था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन को क्लिक कर दो। साथ साथ हम आपको मैं ये कहूँगा कि अगर आपको मैट्रिक के रिजल्ट की तमाम इन्फॉर्मेशन चाहिए और लेक्चर चाहिए मैथमेटिक्स की जो क्लास फर्स्ट ईयर की है, तो आपने क्या करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल के आइकन को क्लिक कर देना है। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।